नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। निरसा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कुमार धोबी ओपी के एसआई सत्येंद्र कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने पर रविवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कुमार धोबी ओपी के सभी पुलिस पदाधिकारियों ने सत्येंद्र कुमार के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें शॉल उड़ाकर व फूलमाला पहनाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। अन्य पुलिस कर्मियों ने भी उनके मंगल जीवन की कामना की। एसआई वसीम अनवर खान ने बताया कि साफ छवि बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के सत्येंद्र कुमार सिंह अपने पुलिस विभाग में सेवा दी, जिनका आज विदाई समारोह है। विदाई का क्षण सुख और दुख दोनों देता है। खुशी होती है इस विभाग को छोड़कर अपने घर परिवार के साथ समय बिताने का, और दुख होता है विभाग में वर्षों अपने साथियों के साथ सेवा देने और उनसे विदा होने का। सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि 1984 में पुलिस विभाग में पहली पोस्टिंग हजारीबाग में हुई थी। इसके बाद लंबा सफर राज्य के सभी जिलों में रहा। अपने दायित्व को निभाते हुए क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा, वर्ष 2020 अक्टूबर को कुमार धोबी ओपी में आए थे और आज सेवानिवृत्त होने पर आज यहीं से विदाई हो रही है। आज कुमार धोबी ओपी के एसआई सत्येंद्र कुमार सिंह सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें थाना के क्षेत्र के सभी लोग उपस्थित हुए। इनके विदाई समारोह में इनके लिए अच्छी कामना की दुआ की गई है। अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें। इनके बताए हुए कुछ जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग को अमल करना है। बाकी इतनी भी लंबी पारी खेलने के बाद भी कोई शिकायत नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। काल कोठरी से निकल के जाना सबके बस की चीज़ नहीं है। घर पर आना है सर, समाज से मिलकर आना है और सर समाज को अच्छे काम के लिए सिखाना है, अच्छे काम में हाथ बटाना है, लेकिन करना है घर पे जाके। अपने अनुभव के अनुसार अपने साथियों का क्या कहना चाहेंगे? अनुभव के अनुसार साथी लोग सब लोग कहें कि अच्छे से काम कीजिए, जनता के प्रति अच्छा सा जीत रखिए और अपना कर्तव्य को निर्वाहन कीजिए समुचित ढंग से। सहयोगी के तो सहपाठी लोग के हमारे तरफ से अनुरोध है, विनती है।